हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है मुकुंद माधव शर्मा और आज आपके समक्ष मैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका का एक संक्षिप्त अध्ययन प्रस्तुत करूंगा। संक्षिप्त परंतु समग्र विश्लेषण होगा। यह विश्लेषण FAQs या फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस या अक्सर हमारे मन मस्तिष्क में जो प्रश्न उठते रहते हैं उनके माध्यम से हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, उन प्रश्नों को और प्रस्तावना या उद्देशिका को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए प्रारंभ कर लेते हैं इसे। यह सामने जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है वह भारतीय संविधान की प्रस्तावना है और इंग्लिश में भी आप इसे देख सकते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया से प्रारंभ होती है और हिंदी में हम भारत के लोग से शब्दावली से प्रारंभ होती है। तो चलिए हम इसके बारे में कुछ प्रश्नों का विश्लेषण कर लेते हैं। इन प्रश्नों का विश्लेषण करते हुए हम देखेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका का समग्र अध्ययन किस तरह से दिखाई देता है। तो FAQ 1 देख लेते हैं। इसमें क्या है, कौन से देश का संविधान प्रथम संविधान था जो प्रस्तावना से शुरू होता है। भारत में प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है। अब सोचिए किस देश के संविधान से लिया गया है, किस देश की परंपरा से लिया गया है। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, कहां से लिया गया है सोचिए। क्या रशिया से लिया गया है या ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है या अमेरिका से लिया गया है। चलिए आपने सोच लिया होगा। अब मैं आपको बता दूं कि यह अमेरिकी संविधान से जो प्रस्तावना का विचार है वह भारत में लिया गया था। अमेरिकी संविधान प्रथम संविधान था जो प्रस्तावना से शुरू होता है। भारत में प्रस्तावना का विचार अमेरिकी संविधान से लिया गया है। पहला प्रश्न क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है। मैं यहाँ पे आपको स्पष्ट करना चाहूंगा, द लैंग्वेज ऑफ द प्रीएम्बल इज डेराइव्ड फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा को लिया गया है। तो दो प्रश्न यहाँ तक क्लियर हो चुके हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उससे पहले हम देख लेते हैं प्रस्तावना को, अगेन हम देख लेते हैं। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में इसे दिखाया गया है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य राज्य का स्वरूप है और न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, इस तरह की कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं संविधान के, जिनको हमें प्राप्त करना है। सरकार को जिन लक्ष्यों को प्राप्त करना है, संविधान को जिन लक्ष्यों को प्राप्त करना है, वह लक्ष्य हमारी देश की संविधान की प्रस्तावना में ही उल्लिखित किए गए हैं। और आगे हम देखते हैं, आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संबत 2006 विक्रमी जो डेट दी गई है वह डेट किसकी है। इस डेट को हमने भारतीय संविधान को अपनाया था, अंगीकृत किया था, अधिनियमित किया था, अडॉप्ट किया गया था संविधान को 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था और लागू कब किया गया था वह तो आप जानते ही होंगे, 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू किया गया था। लेकिन लागू करने की तिथि इसमें नहीं दी गई है, बल्कि 26 नवंबर 1949 की जो तिथि दी गई है उस दिन हमने भारतीय संविधान को अपनाया था या स्वीकार किया था या अडॉप्ट किया था। हमने क्या किया था, अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आर सेल्फ टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इस तरह की इंग्लिश में भी हम शब्दावली देख लेते हैं। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वेलिटी, इस तरह के फ्रेटर्निटी, इस तरह के कुछ लक्ष्य हैं संविधान के। वी द पीपल ऑफ इंडिया से यह प्रस्तावना प्रारंभ होती है। तो अगला क्वेश्चन हम फिर आ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का उद्भव कैसे हुआ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आखिरकार उद्भव कैसे हुआ, इसको हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। इस देश, हमारे देश की जो संविधान की प्रस्तावना है उसका उद्भव आखिरकार कैसे हुआ था, इसका उद्भव आखिरकार कैसे हुआ था, इस प्रश्न का हम विश्लेषण कर लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का उद्भव हम देख सकते हैं उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया था और 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार कर लिया गया था, इसे अडॉप्ट कर लिया गया था संविधान सभा के द्वारा। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना की जो पृष्ठभूमि दिखाई देती है वह उद्देश्य प्रस्ताव में दिखाई देती है और उद्देश्य प्रस्ताव का भी काफी कुछ महत्व दिखाई देता है, जो अगले प्रश्न में हम देख रहे हैं उद्देश्य प्रस्ताव का क्या महत्व है। तो इस उद्देश्य प्रस्ताव या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का क्या महत्व है, हम उसको भी देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसे स्वीकार कर लिया था या अडॉप्ट कर लिया था। इस उद्देश्य प्रस्ताव के अंतर्गत जो हमें वर्तमान में दिखाई देते हैं, जो कई लक्ष्य दिखाई देते हैं, जैसे स्वतंत्रता, समानता, न्याय, ये इस प्रकार के लक्ष्य उद्देश्य प्रस्ताव में भी उल्लिखित थे और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास की, इस तरह की स्वतंत्रताओं का भी उल्लेख उद्देश्य प्रस्ताव में था। उद्देश्य प्रस्ताव में हमने यह भी कहा था कि हम
हम भारत की भूमि को एक काफी गौरवपूर्ण स्थान दिलाएंगे और विश्व में एक अच्छा स्थान प्राप्त उच्च स्थान प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। उद्देश्य प्रस्ताव को इस रूप में हम काफी व्यापकता को हम देख लेते हैं। इस उद्देश्य प्रस्ताव में संविधान के लक्ष्य निर्धारित किए गए थे जिनको आगे हमने प्रस्तावना के स्वरूप में हमने देखा था और प्रस्तावना को जो स्वीकार किया गया था, प्रस्तावना को जो निर्माण किया था और प्रस्तावना को जो उद्देश्य प्रस्ताव को जो मॉडिफाई किया था वह बी एन राव जो संविधान सभा के सलाहकार थे उन्होंने प्रस्तावना को रूप दिया था और प्रस्तावना पर विचार विवाद संवाद हुआ था संविधान सभा में। तो उद्देश्य प्रस्ताव को रूप दिया था बी एन राव ने प्रस्तावना का। तो यहाँ तक क्लियर है, मुझे उम्मीद है कि चार क्वेश्चन आपके समक्ष क्लियर हो गए होंगे। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि आखिरकार नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रस्तावना के बारे में हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि आखिरकार नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम देख लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 को हम जब देखते हैं तो यह प्रस्तावना के बारे में ही है और प्रस्तावना या उद्देशिका को किसने लिखा और इस पर किसने चित्रकारी की, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में बताना चाहूंगा कि प्रस्तावना या उद्देशिका को जो सुलेख रूप में हम देखते हैं वह प्रिंट नहीं है, पहली कॉपी प्रिंट नहीं की गई थी बल्कि एक सुलेख या कैलीग्राफी के माध्यम से लिखी गई थी। इंग्लिश में प्रस्तावना को लिखा था, किसने लिखा था इंग्लिश में, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इंग्लिश में लिखी थी प्रस्तावना और ना केवल प्रस्तावना को लिखा था बल्कि कैलीग्राफी के माध्यम से संविधान के अन्य पेजों को भी लिखा था, संविधान के अन्य पेजों को भी लिखा था और उन्होंने अपना नाम भी हर पेज पर लिखा है, ना केवल जो है संविधान के हर पेज पर बल्कि संविधान के अंतिम पेज पर भी उन्होंने अपना नाम और अपने दादाजी का नाम लिखा है। तो हिंदी में किसने लिखा था, हिंदी में लिखा था बसंत कृष्ण वैद्य ने। हिंदी में बसंत कृष्ण वैद्य ने कैलीग्राफी की थी, सुलेख किया था और इंग्लिश में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इसको लिखा था, उद्देशिका या प्रस्तावना को। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब बात आती है कि इस पर किसने चित्रकारी की, तो इस पर चित्रकारी का जो प्रोजेक्ट था वह नंदलाल बोस को दिया गया था। जवाहरलाल नेहरू जी ने नंदलाल बोस को इस कार्य के लिए प्राधिकृत किया था कि जो लिखी गई है जो पूरी प्रस्तावना और संविधान के अन्य पेज लिखे गए हैं तो उन पर चित्रकारी की जाए। तो यह कार्य दिया गया था नंदलाल बोस को और नंदलाल बोस ने अपने सहयोगियों को, शांति निकेतन से जुड़े हुए थे तो शांति निकेतन के कई कलाकारों को अपने साथ उन्होंने जोड़ा और जिसमें प्रमुख नाम बेहोर राम मनोहर सिन्हा को जाता है। बेहोर राम मनोहर सिन्हा का न केवल प्रस्तावना के पेज पर चित्रकारी करने के लिए इनको श्रेय दिया जाता है बल्कि संविधान के अन्य पेजों पर भी इन्होंने चित्रकारी की और इस चित्रकारी में उन्होंने अजंता एलोरा से काफ़ी प्रेरणा ग्रहण की, महाबलीपुरम से काफ़ी प्रेरणा ग्रहण की। इन्होंने वनवास से लौटते हुए राम लक्ष्मण और सीता का भी चित्र उकेरने का प्रयास किया है और जो कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का संदेश प्रदान किया था तो उन्होंने वहाँ से भी प्रेरणा ग्रहण की है और विभिन्न तरह की चित्रकारी दिखाई देती है। और तो बेहोर राम मनोहर सिन्हा को प्रमुख स्थान है जिन्होंने न केवल उद्देश्य का बल्कि संविधान के अन्य पेजों पर भी चित्रकारी की, संविधान के अन्य पेजों पर अन्य कलाकारों ने भी चित्रकारी की है जैसे कृपाल सिंह और भी कई अन्य प्रकार के कलाकार थे जिन्होंने चित्रकारी कई अलग अलग पेजों पर की है। तो नंदलाल बोस और बेहोर राम मनोहर सिन्हा को प्रमुख श्रेय जाता है संविधान की जो प्रस्तावना है उस पर चित्रकारी और अन्य पेजों पर चित्रकारी का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि उद्देशिका पर विभिन्न विद्वानों के आखिरकार किस तरह के विचार हैं, उद्देशिका पर जो विभिन्न विद्वानों के विचार हैं उनको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि के मुंशी जी संविधान सभा के महत्वपूर्ण सदस्य, तो इन्होंने क्या कहा था, राजनीतिक जन्म कुंडली कहा था प्रस्तावना को, संविधान की राजनीतिक जन्म कुंडली या पॉलिटिकल हॉरोस्कोप कहा था। ठाकुर दास भार्गव ने द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा था प्रस्तावना को, संविधान की आत्मा कहा था। और एन ए पालीवाला ने तो आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान का पहचान पत्र तक कह दिया था। पालंदे जो एमिनेंट जूरिस्ट थे उन्होंने पवित्र आदर्शों एवं लक्ष्यों का घोषणा पत्र बताया था। अर्नेस्ट पार्कर ने संविधान की कुंजी कह दिया था और जो ग्रेनविले ऑस्टिन थे उन्होंने आधारभूत रूप से सामाजिक दस्तावेज प्रस्तावना को कहा है। और एम बी पायली ने तो थोड़े आलोचनात्मक तरीके से ही सही लेकिन उन्होंने इसे वकीलों का स्वर्ग कह दिया क्योंकि जब भी न्यायपालिका प्रस्तावना के माध्यम से संविधान के विभिन्न प्रावधानों को स्पष्ट करने का प्रयास करेगी तो वहां पर वकीलों की भूमिका तो स्वाभाविक रूप से आ ही जाएगी। तो उद्देश्य पर विभिन्न विद्वानों के विचारों को हमने इस तरह से देख लिया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न को हम देख लेते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार सत्ता का स्रोत क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार सत्ता का स्रोत क्या है? सत्ता का स्रोत क्या है? इस सत्ता के स्रोत को हम देख लेते हैं। इस सत्ता का स्रोत आखिरकार क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार सत्ता का स्रोत या जो शक्ति मिली हुई है, जो शक्ति मिली हुई है सरकार को और उस सरकार की जो शक्ति है उसका आखिरकार स्रोत क्या है, इस शक्ति का स्रोत क्या है? तो इस शक्ति का स्रोत, और इवन हमने संविधान को अडॉप्ट किया है, इनेक्ट किया है, तो भारत के लोगों ने अडॉप्ट और इनेक्ट किया है, तो संविधान की शक्ति का स्रोत भी भारत के लोग हैं, हम भारत के लोग हैं, और सत्ता या सरकार की शक्ति का भी स्रोत हम भारत के लोग हैं अर्थात भारत की जनता है। भारत की जनता लोकसभा में अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजती है और वहां से मंत्रिपरिषद का चुनाव होता है और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहती है, तो कहीं ना कहीं मंत्रिपरिषद या सरकार का उत्तरदायित्व तो जनता के प्रति स्वाभाविक रूप से स्पष्ट रूप से हो जाता है। तो सत्ता का स्रोत क्या है? हम भारत के लोग या वी द पीपल ऑफ इंडिया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कि प्रस्तावना के अनुसार राज्य या सत्ता का स्वरूप क्या है? राज्य या सत्ता का ये स्वरूप क्या है? नेचर ऑफ द स्टेट और अथॉरिटी क्या है? तो नेचर ऑफ स्टेट और अथॉरिटी हम देख सकते हैं, कहां पर देख सकते हैं? हम देख सकते हैं इसको कहां देख सकते हैं बताइए? इसको देख सकते हैं प्रस्तावना में या उद्देशिका में हम देख सकते हैं। और यह स्वरूप क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य राज्य का स्वरूप है या सत्ता का स्वरूप दिया है। तो इसके जो शब्द प्रयोग किए गए हैं उनको हम संक्षेप में देख लेते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या सोवरेन का अर्थ होता है कि हमारा भारत जो राज्य है, भारतीय जो राज्य है, राजनीतिक संगठन है, वह बाह्य रूप से स्वतंत्र होगा, बाह्य रूप से अपनी विदेश नीति के निर्माण के लिए और उसको लागू करने के लिए स्वतंत्र रहेगा। हमें किस देश के साथ संबंध स्थापित करने हैं, किस संगठन की हमें सदस्यता प्राप्त करनी है उसके लिए हम पूर्ण रूप से निर्णय ले सकेंगे, और किस देश के साथ संबंध विच्छेद करने हैं और किसी संगठन की, अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अगर हमें सदस्यता त्याग करनी है तो उसके लिए किसी देश का दबाव नहीं होगा और उसके लिए हम स्वतः उस संगठन की सदस्यता को त्याग कर सकते हैं या संबंधों को हम विच्छेद कर सकते हैं। और बाह्य रूप से हस्तक्षेपों का अभाव ही संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या संप्रभुता का कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि आंतरिक रूप से भी हम स्वतंत्र हैं। आंतरिक रूप से हम किस रूप में स्वतंत्र हैं? हम कोई भी नियम या कानून बना सकते हैं, हम कोई भी नीति या कार्यक्रम बना सकते हैं और यह इस नीति और कार्यक्रम को हम अच्छे से लागू भी कर सकते हैं। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो सत्ता का स्वरूप है तो इस रूप में हमें दिखाई देती है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या संप्रभुता की संकल्पना एक ऐसी संकल्पना होती है जिसमें राज्य को बाह्य आक्षेपों से मुक्ति की बात की जाती है और आंतरिक रूप से नीति कार्यक्रमों के संदर्भ में भी हमारी स्वतंत्रता होती है। हम पूर्ण रूप से संप्रभु होते हैं और बाह्य आक्षेपों से मुक्त होते हैं, ना ही हम रसिया, ना ही हम अमेरिका और ना ही किसी अन्य देश के दबाव में आकर ना हम बाह्य रूप से निर्णय लेते हैं ना आंतरिक रूप से निर्णय लेते हैं। तो प्रस्तावना के अनुसार राज्य का जो सत्ता का जो स्वरूप है, पहला उसका तत्व है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, उसके बाद हम देख लेते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। समाजवादी शब्द 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से हमारी प्रस्तावना में जोड़ा गया था और मूल संविधान में यद्यपि नहीं था, लेकिन मूल संविधान के कई अन्य प्रावधानों में हमें इस समाजवादी शब्द का उल्लेख दिखाई देता है। तो समाजवादी शब्द का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। समाजवादी शब्द या सोशलिस्ट का अर्थ होता है कि हमारा जो समाज हो वह समता मूलक होना चाहिए, समानता होनी चाहिए, किसी तरह के भेदभाव नहीं होना चाहिए और शोषण का भी उन्मूलन होना चाहिए। इसी शोषण का उन्मूलन आर्टिकल 23 और 24 के माध्यम से करने का प्रयास किया गया है, और न केवल मूल अधिकारों के माध्यम से बल्कि हम देखते हैं नीति निर्देशक तत्वों जिनका उल्लेख आर्टिकल 36 से 51 में दिया गया है, आर्टिकल 36 से 51 में जिनका उल्लेख किया गया है, वह क्या करते हैं? सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, वितरणात्मक न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं। यद्यपि यह किसी भी न्यायालय में प्रवर्तनीय या लागू करने योग्य नहीं होते हैं, फिर भी यह शासन की संरचना में मूलभूत होते हैं, फंडामेंटल इन गवर्नेंस होते हैं। तो यह नीति निर्देशक तत्व तो कहीं ना कहीं सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करने का प्रयास करते हैं और यह सामाजिक आर्थिक न्याय ही समाजवादी शब्द के अंतर्गत कहीं ना कहीं समाहित है। तो समाजवादी शब्द को जो परिभाषित करने का कार्य किया था उच्चतम न्यायालय ने, उसे कहीं ना कहीं डीएस नकारा केस में, डीएस नकारा बनाम भारत संघ जो 1983 में केस आया था, उसके माध्यम से जो उच्चतम न्यायालय है उसने समाजवादी शब्द को परिभाषित और स्पष्ट करने का प्रयास किया गया था। इसमें कर्मचारियों के लिए उपयुक्त वातावरण और कर्मकारों का शोषण
उन्मूलन करने की बात कही गई थी और इसे कहीं ना कहीं समाजवाद के रूप में हमने देखा था। समाजवाद का शब्द काफी व्यापक है, हमने गांधीवाद और मार्क्सवाद का एक अभूतपूर्व मिश्रण देखा है, लेकिन हमारा समाजवाद गांधीवाद की तरफ झुका हुआ है, क्योंकि मार्क्सवाद की तरफ इसलिए नहीं झुका हुआ है क्योंकि मार्क्सवाद क्या करता है, हिंसात्मक क्रांति की बात करता है, लेकिन फिर भी वह समाजवाद किसी न किसी रूप में हमारे संविधान में दिखाई दे जाता है। हालांकि हमारा जो संविधान है वह समाजवाद अपनाता है, वह समाजवाद प्रेरित है। हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री हैं वो जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी से प्रेरित है, जो राष्ट्रपिता थे। हमारे महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता के नाम से काफ़ी पॉपुलर हैं, उनको राष्ट्रपिता कहा जाता है, और उनके समाजवाद की तरफ हमारा राज्य की सत्ता का स्वरूप हमारा दिखाई देता है। तो संपूर्ण प्रभाव संपन्न हो गया, समाजवादी हो गया। अब तीसरा स्वरूप दिखाई देता है, तत्व का तीसरा तत्व दिखाई देता है, वह है पंथ निरपेक्ष। हमारे संविधान में सेकुलर का ट्रांसलेशन पंथ निरपेक्ष किया गया है, ना कि धर्म निरपेक्ष। अब धर्म निरपेक्ष क्यों नहीं किया गया है, क्योंकि हम धर्म से निरपेक्ष पूर्ण रूप से नहीं हो सकते। धर्म का आशय भारतीय परंपरा में किस कॉन्टेक्स्ट में लिया गया है, हम धर्म का कॉन्टेक्स्ट लेते हैं कर्तव्य के संदर्भ में, जैसे पितृ धर्म, पुत्र धर्म, पत्नी का धर्म और भी मित्र धर्म, कई तरह के धर्म या कर्तव्य की बात की गई है। धर्म का सेंस हमारी भारतीय परंपरा में कर्तव्य से लिया गया है और हम कर्तव्य से तो कभी विहीन नहीं हो सकते। इसलिए गांधी जी ने भी कहा है कि धर्म विहीन राजनीति तो निंदनीय है, धर्म विहीन राजनीति को तो नहीं अपनाया जाना चाहिए। तो जब महात्मा गांधी यथा उल्लेख करते हैं तो वह धर्म को किसी हिंदू मुस्लिम सिख या ईसाई के रूप में नहीं लेते हैं, बल्कि ये कर्तव्य के रूप में लेते हैं। तो हमने धर्म निरपेक्ष को हमने प्रस्तावना में नहीं लिखा है, बल्कि पंथ निरपेक्ष रूप में देखा है। अर्थात हम किसी आइडियोलॉजी से मुक्त होंगे, किसी भी विचारधारा के प्रभाव से मुक्त होंगे। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने समय समय पर किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन न हो इसलिए पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष को समानार्थी रूप में माना है। ओके, और धर्म निरपेक्ष का सामान्य रूप से क्या अर्थ देखा जाता है, पंथ निरपेक्ष का एक सामान्य रूप से क्या अर्थ देखा जाता है, अर्थ देखा जाता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा लेकिन राज्य सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षण और प्रोटेक्शन करने का कार्य करेगा। राज्य सभी धर्मों को संरक्षण प्रदान करेगा, जैसा हम वस्तुतः देखते भी हैं कैलाश मानसरोवर के लिए यात्रा के लिए भी सरकार सहयोग करती है, सब्सिडी प्रदान करती है, और हज यात्रा के लिए भी सब्सिडी प्रदान करती है। तो सभी धर्मों को समान संरक्षण प्रदान करना राज्य का एक तरह से कर्तव्य होता है। और पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। जैसे हम देखते हैं श्रीलंका में थेरावाद बुद्धिज्म है, पाकिस्तान में हम देखते हैं, बांग्लादेश में देखते हैं, मालदीव में देखते हैं, सऊदी अरेबिया में देखते हैं, कई ऐसे देश हैं जहां पर इस्लाम को क्या किया गया है, इस्लाम को राज्य का धर्म घोषित किया गया है। और इजराइल को भी ज्यूस स्टेट या यहूदी धर्म के रूप में कहीं ना कहीं उसके डॉक्यूमेंट में स्वीकृति दी गई है। तो हमने इस रूप में किसी भी रूप में राज्य का कोई धर्म स्वीकार नहीं किया है और हमने सभी धर्मों को समान संरक्षण की बात की है, हम सभी धर्मों को समान संरक्षण करते हैं हालांकि राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो हमने शब्दों को देखा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, और हम देख लेते हैं अगला शब्द लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतंत्र से क्या आता होता है, जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन किया जाए, जैसा कि उल्लेख किया है अब्राहम लिंकन ने क्या उल्लेख किया है, अब्राहम लिंकन ने इसको संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष जो शब्द है उसके बाद जो उल्लेख किया गया लोकतंत्र, उसको लोकतंत्र को परिभाषित करने का प्रयास अब्राहम लिंकन ने किया है। और जनता के लिए जनता के कल्याण के लिए शासन के रूप में उन्होंने परिभाषित किया है। अब हम देख लेते हैं गणराज्य या रिपब्लिक या गणराज्य का अर्थ होता है क्या, कि राज्य का प्रमुख जो होगा, राज्य का प्रमुख इलेक्टेड होगा, निर्वाचित होगा। भारत में भी राज्य का प्रमुख कौन है, भारत में राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति का पद आनुवांशिक नहीं है या कोई राजतंत्रात्मक या किसी तरह का आनुवांशिक पद नहीं है, कोई तानाशाही पूर्ण पद नहीं है, बल्कि इसका निर्वाचन होता है। आर्टिकल 54 में हम देखते हैं कि संसद के दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं वह राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का भाग होते हैं, और एकल संक्रमणी आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के माध्यम से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। और अगर राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करते हैं तो उनको पद से हटाया भी जा सकता है। तो मेरा कहने का सेंस है कि राजतंत्र या तानाशाही पूर्ण रूप से या किसी आनुवांशिक रूप से राष्ट्रपति का पद नहीं है, राज्य प्रमुख का पद नहीं है, बल्कि है राज्य प्रमुख किस रूप में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। राष्ट्रपति जी का पद क्या है, निर्वाचित पद है। तो हेड ऑफ द स्टेट क्या है, जब इलेक्टेड होता है, निर्वाचित होता है, तो उसे ही हम रिपब्लिक कह देते हैं। तो भारतीय राज्य इस रूप में लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में दिखाई देता है।
तो इस तरह से हमने सत्ता का स्वरूप देख लिया। सत्ता का स्वरूप क्या है? संपूर्ण प्रभाव संपन्न समाजवादी पंथ निर्भेद लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इस रूप में हमें सत्ता का स्वरूप दिखाई देता है। सत्ता का स्वरूप इस रूप में हमें दिखाई देता है। तो हमने इस प्रश्न को देख लिया अच्छे से, इस प्रश्न को हमने देख लिया अच्छे से, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आखिरकार क्या कहा गया है, नेक्स्ट प्रश्न में क्या कहा गया है उसको भी हम विश्लेषण कर लेते हैं। प्रस्तावना के अनुसार राज्य या सत्ता का स्वरूप क्या है, नेचर ऑफ स्टेट और अथॉरिटी क्या है, उसको हमने देख लिया। राज्य या सत्ता का स्वरूप हमने देख लिया क्वेश्चन नंबर 8 में, राज्य या सत्ता का स्वरूप हमने अच्छे से देख लिया और सत्ता का स्रोत भी देख लिया। सत्ता का स्रोत क्या है, हम भारत के लोग हैं, और राज्य या सत्ता का स्वरूप क्या है, संपूर्ण प्रभाव संपन्न समाजवादी पंथ निर्भेद लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये राज्य या सत्ता का स्वरूप हमने देख लिया। तो आगे के क्वेश्चनों को अभी हम विश्लेषण कर लेते हैं, आगे के क्वेश्चन किस रूप में है उनको हम देख लेते हैं, उनको भी हम विश्लेषण कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको हम देखते हैं, तो कहते हैं हमारे संविधान की उद्देशिका में कौन से लक्ष्य या उद्देश्य दिए गए हैं जिन्हें सरकार को प्राप्त करना है। तो कौन से लक्ष्य या उद्देश्य दिए गए हैं जिन्हें सरकार को प्राप्त करना है, उनको हम उन लक्ष्यों को हम देख लेते हैं। और यह लक्ष्य हमारे देश की प्रस्तावना में साफ साफ दिखाई देते हैं, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। न्याय कौन सा? सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय क्या था? समाज में किसी तरह के भेदभाव नहीं होंगे, धर्म मूल वंश जाति लिंग जन्म स्थान किसी तरह का भी भेदभाव नहीं होगा। आर्थिक न्याय किस तरह से? आर्थिक विषमता नहीं होनी चाहिए, आर्थिक असमानता ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एक व्यक्ति करोड़पति हो और एक व्यक्ति के पास 1,000 रुपए भी नहीं हो, तो इतनी आर्थिक विषमता भी नहीं होना चाहिए। सबको आर्थिक रूप से आजीविका के समान अवसर भी सुनिश्चित किए जाने चाहिए, इस रूप में हम आर्थिक न्याय को देखते हैं। और राजनीतिक न्याय क्या होता है? राजनीतिक न्याय का आशय होता है कि हम इलेक्ट हो सकें, हम निर्वाचित होने का हमें अधिकार हो, अगर हम चाहें तो चुनाव लड़ सकें और चाहें तो हम कोई राजनीतिक दल का भी गठन कर सकते हैं। तो यह सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय हमने देखा। और स्वतंत्रता का भी उल्लेख है, स्वतंत्रता एक उद्देश्य है, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है संविधान का। और संविधान की प्रस्तावना में क्या क्या लिखा हुआ है? विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो विचार की स्वतंत्रता किस रूप में? विचार की स्वतंत्रता इस रूप में कि हम कोई भी विचार करते हैं, अपना कोई विचार बनाते हैं, तो वह किसी न किसी सूचना के आधार पर होता है। और हम देखते हैं वह सूचना कि मीडिया की मीडिया के माध्यम से अक्सर हम प्राप्त करते हैं, या तो प्रिंट मीडिया के माध्यम से या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हम डिजिटल मीडिया के माध्यम से हम सूचना को देखते हैं, सुनते हैं, और उसके आधार पर हम क्या करते हैं? अपना विचार बनाते हैं। उसके आधार पर हम क्या करते हैं? विचार बनाते हैं। तो विचार की स्वतंत्रता तभी हो सकेगी जब सूचना की स्वतंत्रता हो। तो सूचना की स्वतंत्रता के लिए कहीं ना कहीं हमने अधिनियम इनेक्ट किया। पहले हमने 2002 में ऐसा प्रावधान बनाया था, फिर हमने 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट सूचना की स्वतंत्रता और सूचना की निष्पक्षता के लिए लेके आए, और हमें सरकार से भी सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। तो यह कहीं ना कहीं विचार की स्वतंत्रता को स्थापित करने के लिए किया गया है। इसके बाद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति या फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो हम शांतिपूर्वक कोई भी हम भाषण दे सकते हैं और हम अपने विचारों से लोगों को प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन इस अभिव्यक्ति या इस भाषण के माध्यम से किसी तरह से हिंसा नहीं फैलनी चाहिए। कुछ रेस्ट्रिक्शन दिए गए हैं आर्टिकल 19 में, क्लॉज 2 के अंतर्गत कुछ रेस्ट्रिक्शन किए गए हैं। इस अभिव्यक्ति के माध्यम से विदेशों के साथ संबंध खराब नहीं होने चाहिए, न्यायपालिका की अवमानना नहीं होनी चाहिए, अपराध के लिए उद्दीपन या अपराध के लिए प्रेरणा लोगों को नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी कुछ रेस्ट्रिक्शन रखे गए हैं। इसी तरह से हम देखते हैं विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। हम किसी भी धर्म या किसी भी जो भी हमारा विचार है, हम किसी भी धर्म में विश्वास या आस्था रख सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें मिला हुआ है आर्टिकल 25 के अंतर्गत। आर्टिकल 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, और उपासना की भी स्वतंत्रता है। अर्थात हम किसी भी हम क्या कर सकते हैं? किसी भी इष्ट देव की पूजा कर सकते हैं, उपासना कर सकते हैं, उसके लिए हमें स्वतंत्रता मिली हुई है। इसके बाद समानता भी एक महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किया गया है, समता लक्ष्य निर्धारित किया गया है प्रस्तावना के अंतर्गत। यह समता या इक्वलिटी किस आधार पर है? प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा की समता हम अनुच्छेद 18 के अंतर्गत देखते हैं, और सभी तरह की उपाधियों का अंत किया गया है। जो अंग्रेज स्वतंत्रता से पूर्व कई तरह की उपाधि देते थे, जैसे राजाधिराज
राय बहादुर, राजकुमारी, राजकुमार, इस तरह की जो उपाधियां मिली हुई थी स्वतंत्र देश के संविधान में, इस तरह की उपाधियों का अंत कर दिया गया है अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। अब केवल सैन्य और शिक्षा के क्षेत्र में ही कुछ उपाधियां दी जा सकती हैं, अन्य क्षेत्रों में नहीं दी जा सकती। शिक्षा के क्षेत्र में जैसे डॉक्टरेट, पीएचडी, इस तरह की उपाधियां दी जाती है, और सैन्य क्षेत्र में जैसे मेजर जनरल, इस तरह की कई उपाधियां दी जाती है। कई तरह के सम्मान भी दिए जाते हैं, जैसे भारत रत्न, पद्म श्री, कई तरह के इस तरह के सम्मान भी दिए जाते हैं। तो यह क्या है, यह समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करते, यह प्रतिष्ठा और अवसर की समता को किसी तरह से चोट नहीं करते। सैन्य और शिक्षा के क्षेत्र में उपाधियां दी जा सकती हैं। तो वर्तमान में हम देखते हैं प्रतिष्ठा और अवसर की समता हमारे देश की संविधान की प्रस्तावना में ही उल्लिखित है। इसके बाद और क्या लक्ष्य हैं संविधान के, और क्या लक्ष्य हैं जिन्हें सरकार को प्राप्त करने हैं, वह लक्ष्य दिखाई देते हैं। बंधुता या फ्रेटरनिटी, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, या फ्रेटरनिटी। फ्रेटरनिटी का क्या उद्देश्य होता है कि इंडिविजुअल डिग्निटी एंश्योर होना चाहिए। यह डिग्निटी किसके माध्यम से होती है, गरिमामय जीवन किसके माध्यम से सुनिश्चित होता है, आर्टिकल 21 के अंतर्गत। आर्टिकल 21 में प्राण या है दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है, और न केवल जीने का अधिकार इसके अंतर्गत शामिल है, बल्कि इसके अंतर्गत गरिमामय जीवन भी शामिल है। तो इस रूप में हम गरिमामय जीवन की बात करते हैं, और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करती है यह बंधुता। जब हम भाईचारे की भावना से रहेंगे तो राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित रहेगी। यह जो अखंडता शब्द है वह 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संशोधित करके यह अखंडता शब्द डाला गया था, इंटीग्रिटी शब्द डाला गया था, और पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द भी 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से ही प्रस्तावना में उल्लिखित किए गए थे। तो इस रूप में हमने देखा, इस रूप में हमने प्रश्न को देखा, और यह प्रश्न क्या देखा, प्रस्तावना के अनुसार राज्य या सत्ता का स्वरूप के बाद हमने देखा कि हमारी हमारे संविधान की उद्देश्य का हमें कौन से लक्ष्य या उद्देश्य दिए गए हैं जिन्हें सरकार को प्राप्त करना है। तो हमने कई लक्ष्य देख लिए। अब हम देखते हैं कि संविधान को कब अधिनियमित किया गया था। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, संविधान को 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित या आत्मार्पित किया गया था, जो संविधान की प्रस्तावना में शुरुआत में दिखाई देता है ना, क्या दिखाई देता है, 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी जो तिथि दी गई है वह संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करने की तिथि दी गई है, इनेक्ट और अडॉप्ट करने की तिथि दी गई है। तो इस रूप में हमने ये प्रश्न भी हमने समझने का प्रयास किया। तो संविधान को कब अधिनियमित किया गया, 26 नवंबर 1949, और संविधान को लागू करने की बात की जाए तो लागू करने की तिथि यद्यपि संविधान की प्रस्तावना में नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी संविधान को कब लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। और 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस, और 26 नवंबर को क्या मनाते हैं, संविधान दिवस। तो यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। अब सोचिए प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, इसका भी हम विश्लेषण कर लेते हैं, इस प्रश्न का भी हम विश्लेषण कर लेते हैं। इज द प्रीएम्बल ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्या कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो इसके बारे में मैं आप बात बताना चाहूंगा कि एक केस आया था, बेरुवारी केस आया था 1960, इसमें के अंतर्गत कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, और चूंकि संविधान का भाग नहीं है इसलिए संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत इसके इस प्रस्तावना में संशोधन भी नहीं कर सकती है। लेकिन इसके बाद एक काफी बड़ा डिसीजन आया, माइलस्टोन एक डिसीजन आया, कब आया, 1973 में। उस केस को कहते हैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्व में दिए गए निर्णय को पलट दिया और क्या कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग होता है, प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न भाग होता है, और यह भाग इतना महत्वपूर्ण है कि यह भाग बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, इसमें कई लक्ष्य और कई चीजें प्रतिपादित किए गए हैं। तो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रीएम्बल जो होती है संविधान का भाग होती है और महत्वपूर्ण भाग होती है, और भाग तो महत्वपूर्ण होती है, इसमें संशोधन भी किया जा सकता है, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन भी किया जा सकता है संसद के द्वारा, लेकिन संविधान की मूल संरचना नष्ट नहीं होने चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर नष्ट नहीं होने चाहिए, इसकी भी बात कह दी। और बेसिक स्ट्रक्चर को विभिन्न निर्णयों में उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णयों में समय समय पर इनको परिभाषित करने का प्रयास किया है, लेकिन अभी तक इसको
सारी चीज को पूरी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है एग्जैक्टली उसको अभी तक क्लियर नहीं किया गया है। उसके माध्यम से क्या जुडिशरी को एक तरह से कहीं ना कहीं शक्तियां प्राप्त होती रहती है। तो क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? तो वर्तमान में प्रस्तावना संविधान का भाग भी है और प्रस्तावना में संशोधन भी किया जा सकता है, प्रीएम्बल में अमेंडमेंट भी किया जा सकता है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं कि आखिरकार नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 है, क्या प्रस्तावना में अब तक कोई संशोधन किया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन के अनुसार 1976 में संशोधन किया गया है और अभी तक केवल इतिहास में एकमात्र बार संशोधन किया गया है प्रस्तावना में। और कौन कौन से शब्द डाले गए थे जो मैंने आपको बताया? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, सोशलिस्ट, सेकुलर और कौन सा? और अखंडता। एकता पहले शब्द अकेला था, उसके बाद और अखंडता शब्द जोड़ दिया गया है एंड इंटीग्रिटी शब्द जोड़ दिया गया है। तो कौन कौन से तीन शब्द हैं? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से एक बार अभी तक संशोधन हुआ है और तीन शब्द इसमें अभी तक डाले गए हैं। अब हम देख लेते हैं प्रस्तावना का क्या महत्व है। प्रस्तावना का मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रस्तावना का काफी कुछ महत्वपूर्ण स्थान है। प्रस्तावना के माध्यम से क्या होता है? प्रस्तावना का काफी महत्वपूर्ण स्थान है। प्रस्तावना के माध्यम से न्यायपालिका संविधान की व्याख्या करने का प्रयास करती है और संविधान के जिन प्रावधानों में अस्पष्टता है तो उनको स्पष्ट करने का प्रयास करती है। उद्देश्य का क्या करती है? समकालीन उभरते जो मुद्दे हैं उनमें न्यायपालिका और कार्यपालिका के लिए भी इवन सरकार के लिए भी मार्गदर्शक का कार्य करती है। और न्यायपालिका का विभिन्न निर्णयों के संदर्भ में इसमें मत निकल के आया है। बेरुवाड़ी केस में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। गोलकनाथ बनाम राज्य के बनाम केरल राज्य के मामले में न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला ने क्या कहा था? संविधान की उद्देश्य का उन सिद्धांतों का सार या निचोड़ है जिनके आधार पर सरकार को कार्य करना है। संविधान की मूल आत्मा शाश्वत और अपरिवर्तनशील है। तो इस रूप में प्रस्तावना के बारे में कहा गया था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में। और यहीं तक उच्चतम न्यायालय सीमित नहीं रहा बल्कि भारती चंद्र बनाम मैसूर राज्य में भी उच्चतम न्यायालय ने कहा कि निदेशक तत्व और मूल अधिकारों को भी प्रस्तावना के कॉन्टेक्स्ट में समझा जाना चाहिए। तो इतनी इसका व्यापक महत्व दिखाई देता है। उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि हमारे संविधान की जो मूल भावना है वह प्रस्तावना में जो मूलभूत जो भावना अंतर्निहित है उस पर काफी कुछ टिकी हुई है और इन तत्वों को अगर नष्ट किया जाएगा तो हमारे संविधान पूरा धराशायी हो जाएगा। तो इस तरह से प्रस्तावना का काफी कुछ महत्व दिखाई देता है। अब प्रस्तावना पर क्या सीमा है इसका भी मैं आपको उल्लेख करना चाहूंगा। प्रस्तावना की सीमाएं हमें दिखाई देती हैं क्वेश्चन नंबर 15 जो है, प्रस्तावना की क्या सीमा है? प्रस्तावना की सीमाएं हमें दिखाई देती है किस रूप में? इस प्रस्तावना की सीमाएं दिखाई देती है क्योंकि प्रस्तावना न्यायपालिका में प्रवर्तनी नहीं है, यह न्यायपालिका में एनफोर्सिबल नहीं है, यह नॉन एनफोर्सिबल है या नॉन जस्टिसेबल है। अर्थात न्यायपालिका में जस्टिस इसके आधार पर डिमांड नहीं की जा सकती, न्यायपालिका में इसके आधार पर कोई केस नहीं किया जा सकता, ना तो सरकार के अगेंस्ट में ना ही किसी व्यक्ति के व्यक्ति पर किया जा सकता है और ना ही यह सरकार की शक्ति का स्रोत है और ना ही यह सरकार पर कुछ प्रतिबंध या कर्तव्य आरोपित करती है। तो प्रस्तावना की इस तरह से सीमाएं हो गई। प्रस्तावना की काफी कुछ हमने सीमाएं देख ली। तो इस रूप में हमने कई प्रश्नों को विश्लेषण करने का प्रयास किया, हमने प्रस्तावना को देखने का पूरा समग्र रूप में समझने का प्रयास किया, यद्यपि संक्षेप में किया है लेकिन समग्र रूप में इसका अध्ययन करने का प्रयास किया, सारे प्रश्न हमने देखे। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये पसंद आई होगी और उम्मीद है कि आप सब मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के मध्य इसको शेयर भी करें।